Now time to cut across to Panchayat Aaj Tak, where we are discussing 100 days of Modi's government. देखो पहली बात तो 9% अब आप कहेंगे कि आपने देश में अच्छा काम किया था तो आपको 2004 में क्यों 9% कौन से दिन में था, जरा महीना तो बताइए, ये आप महीना बताइए ना, कौन से समय 9%, ये बताइए, ये 2007-08 के वक्त में, 8-9 के वक्त में था। विजय आपकी क्षमा मांगकर आपको बताता हूँ, मेरे कुछ सेक्टर में 1,80,000 करोड़ के काम बंद पड़े हुए हैं, 50,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्टर भाग गए हैं, काहे का 5% बात इसी तरह आप इसके एक एक आंकड़े पर बहस शुरू कराइए। बीपीएल देखिए, जब एनडीए ने छोड़ा था आप तो 40 करोड़ थे, और जब हमने छोड़ी एक बात बताइए, नहीं गुलाम नबी साहब एक बात बताइए, अंग्रेजों के दौर में विकास दर अच्छी थी तो क्या नेहरू को नहीं आना चाहिए था? ये तो कुछ ऐसे सवाल हैं, क्योंकि हम अब आने वाले वक्त में अगर कदम आप कश्मीर तरफ बताए नहीं, पर एक बात मान्य करनी पड़ेगी, विश्व में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट कहा तो इनके नेतृत्व में हिंदुस्तान में था, भ्रष्टाचार का विश्व रिकॉर्ड था तो इनके कार्यकाल में। अब उसमें तो आप क्रेडिट तो कुछ तो बातों में तो लेना ही चाहिए। आप उसमें तो 90% तो बीजेपी को क्रेडिट दिया जाएगा, क्योंकि प्रचार करने में पॉजिटिव और नेगेटिव में मैंने सुप्रीम कोर्ट ने कोलगेट में क्या किया, माइंड कैंसिल, मैंने पार्लियामेंट में कहा, स्पेक्ट्रम में हमने निर्णय दिया क्या, कोर्ट ने निर्णय दिया, मैंने कॉमनवेल्थ गेम में हमने निर्णय दिया क्या, कोर्ट ने कोल में आपके ने रिपोर्ट लिखा, कोल में बीजेपी का क्या प्रश्न आता, कोल के वक्त का था, कोल के वक्त का आपका भी आया है, हमारे वक्त का भी आया, भूल गए हैं आप देखने, कोल के दोनों गवर्नमेंट का, एनडीए का भी और यूपीए का, जायदा भूल गए। एक मैसेज तो आ रहा है कि इन 100 दिनों में सरकार कुछ करना चाह रही है, एक मैसेज आ रहा है कुछ करना चाह रही है, लेकिन वो कैसे कर रही है, इसका दूसरा मैसेज ये है, क्या इस दौर में सारी चीज पॉलिटिकलाइज तो नहीं हो रही है? इसका जवाब हम उत्तर देते हैं, नहीं हो रही। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो इकोनॉमिक एजेंडा को पॉलिटिकलाइज करना इतना आसान नहीं है, अगर इनके कार्यकाल में भी कोई अच्छा काम होगा तो वो ऐसे एस्टैब्लिश रहेगा, क्योंकि उसको इकोनॉमिक आंकड़ेबाजी और तथ्यों के साथ वो जुड़ा रहता है। हम अगर कर पाएंगे, देखो इकोनॉमिक पैरामीटर्स बहुत साफ है ना, मेरे हाथ में नहीं, इनके हाथ में है। अगर जीडीपी है तो कौन से महीने में कितना था ये रिकॉर्ड आता है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना है क्या है रिकॉर्ड आता है, पर कैपिटा इनकम क्या है इसका रिकॉर्ड आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंबैलेंस कितना है इसका रिकॉर्ड आता है, डॉलर के रुपीज में फ्लक्चुएशन कितना है इसका रिकॉर्ड आता है। मेरा आपसे कहना, देखिए दो बातें बता दूँ, आर्थिक स्थिति को इतने जल्दी से बदला जा सकता है ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, और मैं ये भी बात नहीं कह रहा हूं कि पुरानी सरकार की सब गलतियां, इसलिए इनको भी दोषारोपण नहीं करता हूं। ठीक है, सरकार बदल गई है, जो हमको विरासत में मिला वो मिला है, अब लोग हमसे अपेक्षा से देख रहे हैं कि हम आज के स्थिति में फिर से एक बार इसको कैसे बदलें। अब देखो कुछ चैलेंजेस हैं, मेरा अभी भी 121 प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए हैं, 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भाग गए, वो बोले 1% पेनल्टी लो हमको काम नहीं करना। उसके कारण अलग अलग थे, लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ था, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं हुआ था, पावर सेक्टर में 2,80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए हैं, कोयला एशिया में सबसे ज्यादा कोल होने के बाद $20 बिलियन का कोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे दुनिया में सबसे होशियार होने के बाद $60 बिलियन का कंप्यूटर हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंपोर्ट कर रहे हैं, 6,00,000 करोड़ का पेट्रोल गैस डीजल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, $350 बिलियन हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंबैलेंस है। फिर भी स्थितियों को बदलने में, जैसे आज प्रधानमंत्री जापान गए, जो 2-2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है उससे हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, डॉलर की तुलना में रुपया जो एकदम काफी बड़ा नीचे आएगा, और ये कठिनाइयां हैं। नजरिया इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि जो 2,10,000 करोड़ जापान देने वाला है और सरकार का जो नजरिया सामने आ रहा है उसमें हम जोड़ते हैं तो मुंबई से दिल्ली तक बुलेट ट्रेन चल सकती है, अगर अहमदाबाद मुंबई के बीच 6,000 करोड़ है तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो 60,000 करोड़ के हिसाब से देखिए तो इतनी ही चल सकती है। नजरिया आपका क्या है, ये इस दौर में कहीं ना कहीं लग रहा है जिस जनता ने आपको वोट दिया वो आपके लिए गिनी पिग हो गई है। उदाहरण, आप बहुत ही जबरदस्त योजना जनधन योजना लेकर आए, पूरी बैंकिंग सर्विस के भीतर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बैंकर्स का काम यही है, कोई डायरेक्शन नहीं, खाते किसके खुलने हैं कोई जानकारी नहीं, 5,000 का ड्राफ्ट लेने के बाद उन पर कौन सा इंटरेस्ट हम कैसे लगाएंगे कोई जानकारी नहीं, 1,00,000 आप इंश्योरेंस कर रहे हैं, यही काम चिदंबरम साहब ने किसानों को लेकर किया था। सवाल यह है कि आप बैंकिंग सर्विस भी कोलैप्स हो जाएगी इस पूरे प्रोसेस में, उनके पास कोई काम नहीं बचेगा और इसी काम में उलझे रहेंगे,
या फिर आपके जहन में वाकई वो सवाल हैं जो सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भाषण में जिक्र किया था, आखिरी व्यक्ति, हाशिए पर का व्यक्ति, किसान, मजदूर, सब तो गायब हो गया है, चकाचौंध में खो गया। मुझे तो लगता है आपके सवाल में इतने कॉन्ट्रडिक्शन हैं। एक तरफ बोलते हैं कि गरीब गायब हो गया, दूसरी ओर इस देश में स्वाधीनता के 68 साल होने के बाद 60% आबादी के बैंक अकाउंट नहीं है और पहली बार इस देश में करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट ओपन हो रहे हैं। ये अच्छी बात है कि बुरी बात? हम आपको जानकारी दे देते हैं, एक मिनट, गलत खबर आई है ये कि दरअसल 1.5 करोड़ अकाउंट खुले हैं, सिर्फ फॉर्म भरे गए हैं। बैंकों में जानकारी हमने लगातार ली है इस बारे में, ये खबर भी गलत है कि 1.5 करोड़ अकाउंट खुले हैं, सिर्फ फॉर्म भरे गए। मैं आपकी बात को बिल्कुल दोबारा देखो जिम्मेदारी के साथ फिर आपको बता रहा हूं। मैंने नागपुर में इनॉग्रेशन किया था, शाम को 5 बजे 6 बजे मुझे वहां सब बैंकों ने मिलकर आंकड़ा दिया और ये 1.5 करोड़ के बारे में मैं कायम हूं। फॉर्म भरे हुए इसका मतलब अकाउंट खोले गए, जिन्होंने फॉर्म भरे उनके अकाउंट खुले हैं। और आप इसको बहस करिए और मेरा गलत होगा तो मुझे दिखाइए। दूसरी बात मेरी सुन लीजिए, आरबीआई वो अकाउंट, दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस देने के बाद 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस दिया है और जब उसको हम लोग 6 महीने के बाद अकाउंट ऑपरेटर 5,000 का रुपी डेबिट कार्ड दे रहे हैं। ये रुपी डेबिट कार्ड ऐसा है कि 5,000 रुपए तक वो खर्चा करें और ये 5,000 रुपए अगर वो टर्नओवर ठीक से करता है तो उसको आगे लिमिट बढ़ाई दी जा सकती है। देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, मैंने खुद अपने जिले में अनेक बैंकों में ये काम हुआ है, लोग लाइन लगाकर लोगों ने अकाउंट खोले हैं। जिन्होंने फॉर्म भरा है उसका अर्थ यही है कि उनका अकाउंट ओपन हुआ है, जिनका फॉर्म भरा है उसका अर्थ यही है कि उनका इंश्योरेंस 1 लाख का हुआ है, जिनका फॉर्म भरा है उसका अर्थ यही है कि उनको 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस मिला है। पता करने की कोशिश देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि वो ऐसे अनेक लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट नहीं थे, और दूसरी बात आप है ना तड़ाके से ब्रेकिंग न्यूज लगाने के लिए, हम इसीलिए हैं और इसीलिए निगरानी में हैं। 1.5 करोड़ अकाउंट में अगर कोई फर्जी अकाउंट है, कोई गलत अकाउंट है तो आप जाहिर करिए। फर्जी नहीं है गडकरी साहब, हमारा कहना है चीजें इंप्लीमेंट कैसे हो, इस दिशा में प्रधानमंत्री ने लगातार 100 दिनों में जिक्र किया है, इसीलिए सेक्रेटरीज पर नकेल कसी गई, इसीलिए इस बात का जिक्र हुआ पारिवारिक व्यक्ति ना रहे, और जिसका जिक्र राजीव गांधी करके चले गए कि 19 पैसा पहुंचता है, इससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है इस देश को। आपके पास क्या उपाय है? देखिए पहली बात तो और ब्रिंग यू मोर फ्रॉम पंचायत आज तक वेयर द डिस्कशन विल कंटिन्यू।